नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। सीटेट वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, मतलब जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, राज्य में नहीं होगा टेट, अब सीटेट वाले बन सकेंगे शिक्षक। हाँ जी दोस्तों, बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, शिक्षा विभाग का कहना है जब केंद्र सरकार हर साल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट आयोजित करा रही है तो टेट की आवश्यकता नहीं है। तो पूरी न्यूज देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से। ये देखिए दोस्तों पूरी न्यूज, बिहार में नहीं होगी टीईटी टेट, अब सीटेट से बन सकेंगे शिक्षक। हाँ जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है, अब बिहार में टीईटी का आयोजन नहीं किया जाएगा। यहां भी केंद्र सरकार की तरफ से होने वाली सीटीईटी से ही शिक्षक बनेंगे। शिक्षा विभाग ने फिलहाल राज्य में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से नियमित रूप से सीटीईटी कराई जा रही है, इसीलिए विभाग को टेट कराने की जरूरत नहीं है। इस तरह प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए प्रस्तावित सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में अब टेट और सीटेट पास अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, सीटेट वाले कैंडिडेट्स को ही यहाँ एलिजिबल किया जाएगा अब जो सातवें चरण की भर्ती आनी है। बिहार में अभी हाल फिलहाल टेट का आयोजन नहीं कराया जाएगा, जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं या जिनका सीटेट क्लियर है वही शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जरूरत पड़ने पर विचार किया जा सकता है, बाकी हाल फिलहाल में नहीं कंडक्ट कराया जाएगा बिहार में टेट। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचाने थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।